आज सरायकेला जिला की इनर गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल में पुरानी पेंशन बहाली होने के 2 वर्ष पूरा होने के इस एक ऐतिहासिक दिन पर सरायकेला जिला के तमाम ओपीएस कर्मी जो हम लोग अभी नया ओपीएस में आए हैं सभी के सहयोग से आज हमारे सरायकेला जिला में एक बहुत ही सुंदर भव्य एक आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हम लोग केक काटे जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे जिला के डीओ साहब उपस्थित हुए, साथ ही साथ हमारे समाज सेवी खुदराम सर उपस्थित हुए और हमारे इस सरायकेला जिला से बिलोंग करने वाले प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित कुमार महतो सर, प्रदेश के उपाध्यक्ष ब्रजमन यादव सर, कोल्हान के समन्वयक गंगासागर मंडल सर उपस्थित हुए, साथ ही साथ हमारे जिला के सभी पदाधिकारी सभी प्रखंड से आए और आकर अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम किए। उस कार्यक्रम में मुख्यतः रहा केक काटना, दीप प्रज्वलित करना, उसके बाद स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करना। सबसे बड़ी बात आज की रही कि स्वेच्छा से अभी तक लगभग 50 यूनिट लगभग ब्लड डोनेट अभी तक हो चुका है और उम्मीद करते हैं सर कि ये और संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे। और ये हम लोग का प्रथम साल है सर जब हम लोग ब्लड डोनेशन करके आयोजन किए हैं, इसके बाद हम लोग आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि कम से कम 100 यूनिट हम लोग यहाँ से ब्लड डोनेट हो। और ये एक सर सामाजिक कार्य है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हम लोग का ओपीएस का घोषणा हुआ था 2 वर्ष पूरा हुआ और माननीय मुख्यमंत्री के हम लोग आभार प्रकट करते हैं और इसी खुशी में आज हम लोग स्वेच्छा से कि हम लोग अगर पुरानी पेंशन मिली है तो हम लोग समाज को भी कुछ दे सकते हैं और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। और इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष संतोष कुमार महतो मेरे सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और स्वेच्छा से अपना ब्लड डोनेशन किए।